हाय कृष्णा, तो टॉपिक है वो अभी क्या सोच रहे हैं। ऐसे दिल में आ गया तो सोचा कि चलो इसके बारे में टॉपिक बनाते हैं। एंड वी हैव द थ्री ऑब्जेक्ट्स, टैरो, कैट टैरो एंड ओरेकल। सो चार चार ही कार्ड्स निकालेंगे एंड देखते हैं। मोस्टली शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो कि 10-12 मिनट का ही हो, डिपेंड करता है या फिर उससे भी कम समय लग सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप क्या टैरो से भी चार कार्ड निकालते हैं। 1 एंड ये आ गया 2, 3 एंड फाइनल 1 जो कि है 4। ओके, तो ये आ गया 4 एंड यहाँ से भी चार कार्ड निकालते हैं। 1, 2 या फिर 3 ही बस हो जाएंगे, है ना, 3 बस हो गए। ठीक है, चलो तो हमारे पास है 3, 4, 4 और 3। ओके, तो 8 और 3, 11। सो लेट्स कम्युनिकेट। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एज यू कैन सी। ओके, जिसके आपको कार्ड दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स ये पहला कार्ड आ चुका है। आई थिंक ये व्यक्ति पाइसिस है, वर्गो है, टॉरस एंड कैप्रिकॉन है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये अभी बहुत ही, मतलब क्या उसे कहते हैं, सुटेबल सिचुएशन में है। ओके, रिलैक्स मूड में हो सकते हैं। शायद उन्हें कोई गीत लिखने के बारे में भी लग रहा है या फिर गाना गुनगुना रहे हैं। कोई फिल्म देखने की शायद आशा है उनके दिल में, शायद रात को फिल्म देखने की कोशिश करेंगे। मे बी आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि शायद इनमें से कोई लोग हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं एंड आपको याद कर रहे हैं। मे बी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तो ऐसे में आपको याद कर रहे हैं एंड मे बी सोच रहे हैं कि अगर आप उनके साथ होते तो क्या होता, शायद उनका दर्द और कम होता। तो कहीं ना कहीं पे आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी उनके दिल में है वो आपसे कह सके। थोड़े से डरे हुए हैं एंड मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आप काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं तो कब मिलेंगे, ऐसा भी शायद उनके दिल में चल रहा है। अगर आपको सैगिटेरियस, एरीज, पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लीब्रा, तो यू नो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। काफ़ी दिनों से उन्होंने आपसे एक बात छिपाई है, शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द हाई प्रिस्टेस। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये पर्सन होता है पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज एंड सैगिटेरियस मोस्टली। ये पर्सन शायद आपसे कुछ डिमांड करना चाहता है। ओके, शायद उन्हें किसी बात का अंदेशा है एंड वो शायद आपसे कुछ पूछना चाहता है। ओके, मुझे लगता है कि शायद वो आपसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, कोई जवाब चाहिए उनको, शायद कोई सवाल है जो उनको काफ़ी सता रहा है काफ़ी दिनों से एंड उसके बारे में ही वो आपसे बात करना चाहते हैं कि आपकी राय क्या होगी उसके बारे में, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, अगर वैसा होता है तो आप क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं पे कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में जो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, द हाई प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो मे बी दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी फ्यूचर के बारे में अनप्रेडिक्टेबल है। शायद ऐसा भी कोई सवाल उनके दिल में आ सकता है कि अगर उन्हें कल कुछ हुआ तो क्या आप किसी और की तलाश करोगे, शायद ऐसा सवाल उनके दिल में आ सकता है जिसकी वजह से वो आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फियरलेस, ये पूरे तरह से फियरलेस पर्सन है, लेकिन ये आपसे कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें हल्के में ले रहा है, या तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, उसे लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ होने वाली है तो वो यू नो उसे बस ये जानना है कि भाई मैं जो अपनी ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से जीऊँ, मुझे किसी की किसी के डर के साए में नहीं रहना है। ओके, हालांकि उसे लग रहा है कि हाँ वो वरिड है, यू नो आई थिंक काफ़ी हफ्तों पहले ये काफ़ी वरिड थे आपको लेके, अपनी फैमिली को, लेकिन अभी उनकी जो हालत है वो काफ़ी बदल गई है। ओके, आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज़ देखा है तो मुंबई के नेस्को इलाके में आज लोगों की इतनी भीड़ देखी गई, 400-500 मीटर तक, मतलब आधे किलोमीटर तक लोगों की भीड़ थी, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं पे ये बातें यहाँ पे बोली हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइंग टू यू। आई थिंक उनकी हालत हो सकती है या फिर ऐसे कोई चीज़ें जो आपसे बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको खोने का ज़्यादा डर है इनको। ठीक है, यहाँ पे द एम्प्रेस, तो एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन दिख रही है, फ्यूचर के बारे में
ज़्यादा सोचने का डर लग रहा है। टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस एंड सैगिटेरियस भी ये व्यक्ति हो सकता है। फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एंड मे बी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो शायद ये सोच रहे हैं कि अगले प्रोजेनी के बारे में, कि जैसे कि आपका बेटा बेटी कैसे हो सकते हैं या फिर यू नो कब वो प्लानिंग करनी चाहिए एंड उनका फ्यूचर कैसा होगा। साथ में अगर ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई सही समय कब है जब ये सब बातें डिस्कस करें। ओके, तो अगर आपसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, तो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अभी आज एक या दो घंटे तक आपसे बातें या वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका लग रहा है कि भाई मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए। ओके, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं लेकिन खुद भी डरे हुए हैं या फिर उन्हें किसी चीज़ के बारे में खुलकर जानकारी नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें एंड ये भी सेफ़ रहें। आपके बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं एंड मे बी यही बात है जिसकी वजह से आप उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और आपको लगता है कि यू नो ये ज़्यादा परेशान होते हैं, अगर ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, तो इसकी वजह से आप उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटेकल, तो उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, ठीक है। शायद वो अब वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करना चाह सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जजमेंट। तो ये कार्ड दोबारा आ गया है आज के मतलब रीडिंग में टोटल, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जजमेंट जो कार्ड है यहाँ पे ये हो रहा है कि ये पर्सन एक अंडरस्टैंडिंग पाना चाहता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो खुद कंट्रोल कर सकता है, ना कि कोई और उसकी ज़िंदगी कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल, उसमें पहला कार्ड है हीलिंग, तो ये सबसे ज़रूरी बात है। देखो ये पर्सन हील होना चाहता है एंड उसके लिए ये जो भी हो पाए वो करने के लिए रेडी है। ओके, आज हम देख रहे हैं कि हीलिंग हो रही है लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो रेकी या ऑरा क्लिनजिंग यू नो उनके बारे में बात नहीं कर रहा है या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है। बस इतनी ही बोल रहे हैं कि आप मंदिर में ना जाए, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन अगर आप रेकी दे रहे हैं तो खुद हील हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ये हीलिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे हम हील करें। अगर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं बातें नहीं हो पा रही थी या फिर यू नो एक दूसरे को आप समझने में थोड़े से नाकामयाब रहे या फिर किसी का डिवोर्स तक भी अगर बात गई होगी, तो वह पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को उम्मीद है कि आपकी रिलेशनशिप वापस से शुरू हो सकती है। ओके, एटलीस्ट अगर ऐसा ना हो पाए तो आप एक अच्छे दोस्त के हैसियत से तो रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल में है। हालांकि आप दोनों मिलके रिलेशनशिप को किस लेवल तक ले जाते हैं वो देखना सही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज उनको शायद हो सकते हैं एंड वही वो क्लियर करना चाहते हैं। देखो इनके बारे में अगर आपके दिल में कोई डाउट है या फिर ये आपके लिए समय नहीं निकालते या फिर क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा कभी नहीं होती। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं और वो अगर बात नहीं करते तो इससे कोई भी तर्क वितर्क नहीं निकलता। तो बस चाहते हैं कि आप दोनों की जो राय है वो खुल जाए। जितना आप उन्हें समझते हैं उतना ही वो आपको जानना चाहते हैं। देखो आप दोनों ही शायद ज़िंदगी में कोई ना कोई तनाव से गुजर रहे हैं। आप दोनों की शायद जो अवस्था है वो अलग अलग है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन करना ये बंद नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ एक चीज़ है उनके दिल में कि वो आपको खोने से डरते हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि शायद अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ प्यार भरी बातें करे एंड आपको बोले एंड जो लफ्ज़ वो आपके लिए हमेशा यूज़ करते, तो मान लीजिए अभी अगर उन्होंने देश की हालत देखी एंड कोरोना एपिडेमिक देखा कि क्या चल रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं। एक तो मैंने वीडियो देखा जिसमें दिखाया गया कि लाशों के ढेर लगे थे, कम से कम 15-20 लाशें सड़क के किनारे रखी हुई थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड अगर ऐसा नज़ारा उन्होंने टीवी पे देखा है और तभी अगर आप कॉल करते हो और अगर आपसे बात नहीं कर पाते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपसे प्यार भरी बातें करें, है ना। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अल्चेमी। आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे आ गया है जब वो आपको कह सकते हैं कि वी शुड यूनाइट टुगेदर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम का एक कनेक्शन होता है, जब दो लोग फाइनली मिल जाते हैं या फिर यू नो एक दूसरे को फाइनली मिलते हैं, आँखों में देखते हैं, वैसे ही ये फीलिंग तैयार होती है एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी पावरफुल फीलिंग होती है। मे बी ये आपका अगर ये सेक्सुअल एनर्जी है तो शायद इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यू नो मे बी आप दोनों अपना अपना हाथ पकड़ के मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी तैयार हो जाए एंड आप दोनों का ऑरा है वो बहुत पावरफुली क्लीन हो जाए।
जो भी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के आसपास है या फिर जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं थम जाए, रुक जाए, एटलीस्ट आपके लाइफ से दूर चला जाए, इसकी कोशिश आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात कहनी थी मुझे, लेट नाइट मैसेजेस कल से स्टार्ट किए हैं, आप सबको अगर पसंद आ रहा है तो डेली अपलोड होगा। वैसे आज के लेट नाइट मैसेजेस 11:30 बजे अपलोड हो जाएंगे। उम्मीद है आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो आपसे प्यार करने वालों की तरफ से वो आपको मिल जाए। ओके, इसी उम्मीद के साथ लेते हैं अलविदा। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड थरू।